नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, यानी कि जिसके पास दिल्ली में रहने का कोई प्रमाण हो उन्हीं का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में होगा। इस फैसले को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया है। साथ ही अनिल बैजल ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि दिल्ली के अस्पतालों में कोई भी शख्स अगर इलाज कराने के लिए आए तो यह जरूर सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी कल से नासाज चल रही है, उनके गले में खराश है, साथ ही उन्हें हल्का बुखार भी है, जिसके बाद कल सुबह उनका कोरोना का टेस्ट भी होना है। उन्होंने अपनी तमाम मीटिंगों को रद्द कर दिया है। उसके पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली में सिर्फ जो लोग जिनके पास दिल्ली में रहने का कोई भी कागज या डॉक्यूमेंट है उन्हीं का दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना का इलाज होगा, बाकी लोगों का इलाज नहीं होगा। इस फैसले को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया है। अब दिल्ली में सभी लोगों का इलाज होगा। हम आपको सुनाते हैं कल वह फैसला जो अरविंद केजरीवाल ने लिया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी, ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका यह सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड हैं, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड हैं। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं, बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहाँ पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही उसके ऊपर कोई, तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक, लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं, इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस है जिसमें दिल्ली वालों के हितों की भी रक्षा होगी और देश भर से अपने जो नागरिक दिल्ली आके अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके हितों की भी रक्षा होगी।